एक मिनट में 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के अकोला में कोरोना के सक्रिय मरीज हुए कम, अब केवल 265 ही एक्टिव मरीज और सभी का कोरोना से मुक्ति की ओर। महाराष्ट्र राज्य ने की केंद्र सरकार से जुलाई महीने के लिए 1.5 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन डोज की मांग। अब तक वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र देश में पहले नंबर पर रहा है। 5 घंटे के अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने लगाया लापता बच्ची का पता। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी गांव से अगवा की गई थी 1 साल की बच्ची। महाराष्ट्र कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, नई मुंबई में 300 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद। विभाग ने 300 करोड़ रुपए की 290 किलोग्राम हीरोइन जब्त की। गोवा राज्य में कोरोना से अपने प्राण गंवाने वाले हर मृतकों के परिवार को मिलेगा 2 लाख रुपए का मुआवजा। राज्य स्थापना के दिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया ऐलान। 1 साल में तीसरी बार हुए उत्तराखंड में सीएम के लिए चुनाव। बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी बनेंगे नए मुख्यमंत्री। ग्रामीण इलाकों में अब नहीं रुकेंगी बच्चों की पढ़ाई। इसरो की मदद से अब क्लासरूम्स में लगाए जाएंगे सैटेलाइट टीवी। नितिन गडकरी जी ने एमएसएमई के दायरे में शामिल किए खुदरा और थोक व्यापार। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बताया इसे ऐतिहासिक फैसला। छत्तीसगढ़ नारायणपुर में खदान पर नक्सलियों ने किया हमला, 4 वाहनों को किया आग के हवाले, 2 कर्मचारी लापता। शिरीषा बादला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की दूसरी महिला होगी। 11 जुलाई को शिरीषा अपनी टीम के साथ में अंतरिक्ष यात्रा पर निकलेंगी। शिरीषा का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है। दिव्य हिंदी आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। तो देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज़ से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए दिव्य हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।